इसके अंदर मैं कुछ भी नमक या कुछ भी नहीं डाल रही, क्योंकि ऑलरेडी मेयोनीज में बहुत अच्छी क्वांटिटी में सॉल्ट होता ही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर लगा रही हूँ हरी चटनी। ये कोरिएंडर चटनी है, अगर आपके पास हरी चटनी ग्रीन वाली ये नहीं है तो आप मिंट चटनी भी लगा सकते हो। अब इसके अंदर, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये लेटस के पत्ते। तो अगर आपके पास लेटस नहीं है तो आप कैबेज के भी पत्ते यूज़ कर सकते हो। तो इसको आपको ऐसे प्लेसमेंट, आपकी इसको शेप के हिसाब से इसकी प्लेसमेंट करनी है ताकि ये बाहर ना निकले। तो ये आपको अपने आप इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छे लगते हैं लेटस तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ अमूल चीज़ स्लाइस, जो मैंने अमूल चीज़ स्लाइस यूज़ किया है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा जो हमने अभी गाजर का जो मेयोनीज़ के साथ पेस्ट बनाया था वो अंदर लगा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छे सैंडविचेस बनते हैं, बच्चों को बहुत ही यमी लगते हैं, इनको कुछ भी कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है और ये हेल्दी भी हैं और यमी भी हैं। तो इसको ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अब देखिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए मैं रेड पेपरिका इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास रेड पेपरिका नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। तो अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको बड़े ध्यान से इसको रोल करना है, आराम आराम से रोल करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये नीचे से टूट जाएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे नीचे जॉइंट है इसमें, उस जॉइंट को आपको प्रॉपरली पकड़ के रखना है, नहीं तो वो ये सारा इसमें से निकल जाएगा और ये टूट जाएगा। अब ये देखो रोल बन के रेडी हो गया है। बनाना तो बहुत आसान है, आप बनाएंगे तो आपको आराम से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कोई भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है ये। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक प्लास्टिक शीट ले ली है मैंने और उसको मैंने ऐसे पूरा स्प्रेड कर लिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप सेम प्रोसीजर एल्युमिनियम फॉइल में भी कर सकते हो। तो इसको मैं ऐसे टाइटली इसके साथ ऐसे रोल करना शुरू कर दिया है। तो आपको सारी प्लास्टिक शीट इसके अंदर इसके ऊपर रैप कर देनी है।